मैकेनिक भाई, ये गाड़ी ओल्ड मॉडल सीधी डॉन है, सीधी डॉन गाड़ी है, स्टार्टर वाली गाड़ी है, किक स्टार्ट है, किक स्टार्ट इसको मैं सेल्फ में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं आई टच मॉडल बना रहा हूं, मॉडल है आई टच मॉडल का, बहुत पुरानी गाड़ी है ये, सेल्फ पे लगाने का किसी भाई का वो बोलेगा हमको लंबा लगाएगा उसके लिए मैं पहले वाला फिटिंग कर देता हूं, बाद में आपको बताता हूं, अभी इसको खोलते हैं बाद में आप लोगों को बताता हूं। ये मैंने पूरी गाड़ी ओपन कर भाई लोग, पूरा गाड़ी खोल दिया था, ओपन का टाइम ज्यादा हो जाएगा, अभी इसका लंबी बन जाएगी का काम चालू करेंगे, इसके लिए पूरा ओपन कर दिया हूँ, अब खाली फिटिंग का प्रोसीजर बता रहा हूँ। ये इसका एसीजी है, इसके अंदर किट के साथ में ओरिंग आया हुआ है, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इसका आरटीबी बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ऑयल लीकेज का चांस नहीं रहेगा। ये होलसेल इसका होलसेल बिठा दिया, अभी इसके अंदर ओरिंग आएगा, इसका ओरिंग इसके साथ में किट के साथ में आता है, थोड़ा बंद कर देंगे, जैसा नॉर्मल गाड़ी का होता है वैसे ही करेंगे, ये नॉर्मल गाड़ी की जैसा ही फिटिंग है, अलग से कोई फिटिंग नहीं है। ये अभी कॉइल लिंक फिटिंग कर रहा हूँ, अच्छे से टाइट कर लेने का, और ये स्क्रू का भी ध्यान रखने का, कभी कभी वहां से लूज आता है चेक कर लेने का, तो भी थोड़ा सा चेक कर लेने का, लूज रहेगा टाइट कर लेने का, उसके लिए इसको रनिंग गाड़ी में निकल जाएगा तकलीफ हो जाएगा। इसके अंदर दो खाचे हैं, बड़ा है एक छोटा है, बड़ा है इसमें तो बड़ा ही बैठेगा, हीरो होंडा हीरो होंडा के अंदर बड़ा ही आएगा, इसके अंदर बैठेगा नहीं, बड़ा वाले को फिटिंग कर टॉप में रख के ऐसा फिटिंग कर 100 का, इसको इसके हिसाब से कटिंग किया हुआ इस गाड़ी के हिसाब से। अरे पिकअप कॉइल है, इसको सेटिंग रहता आगे पीछे करने के लिए, तो थोड़ा सा एक पेपर पेपर जितना गैप रखने का, इसमें ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो भी सेल्फ काम नहीं करेगा, गैप अगर ज़्यादा हो गया तो काम नहीं करेगा, तो इसको एक पेपर में रखा हूँ, पेपर के हिसाब से इसको गैप रखा हूँ। अब ये इस गाड़ी का वायरिंग है, जो अलग से किट के साथ में आया वो वायरिंग, ये हरा वायर है, ये हरा वायर है, तीनों हरा वायर अर्थिंग में टाइट कर देने का, एक गाड़ी का है, गाड़ी के वायरिंग का, एक नया वायरिंग का, और एक मैग्नेट कॉइल से निकला है, तीनों वायर को एक साथ में टाइट कर देने का अर्थिंग। और ये न्यूट्रल लाइट का वायर है, एक इसके नया वायरिंग के अंदर पिन जाएगा, और दूसरा क्लिप है, वो पुरानी जो वायरिंग है ना उसके अंदर उसके क्लिप में बैठेगा, न्यूट्रल लाइट का वायर है, इसको फिटिंग कर लेता हूँ पहला। और ये वाइट कपलर है, ये पिकअप कॉइल का है, ये पिकअप कॉइल का कपलर है, इसको फिटिंग कर दिया मैं,
ये पावर कोयल लगा रहा हूँ। ये वायर है, एक ऊपर है एक नीचे रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। व्हाइट पे ब्लैक है वो नीचे रहेगा और ब्लैक वाला पूरा ऊपर रहेगा, और सॉरी पीला में ब्लैक है वो नीचे रहेगा और पूरा ब्लैक ऊपर रहेगा। पुराने वायरिंग के साथ में इसको भी अंदर ले लेते हैं। ये ब्लू वायर का कपलर है, एक इसके मल फंक्शन है इंडिकेटर का है कपलर, कभी कुछ तकलीफ रहेगा तो उसके अंदर दिखाएगा, कोड बताएगा, उससे मालूम पड़ेगा अपने को बल्ब से। स्टार्टर का स्विच का चार पिन वाला कपलर, ये तीन वायर है। पीला वायर हेडलाइट के स्विच में पीले वायर के अंदर देना है। और काला वायर है, ये चाबी के काले वायर में देना है, रिटर्न वायर में काले वायर में देना है, रिटर्न वायर में। और हरा वाला वायर है वो हेडलाइट के होल्डर में, सिर्फ हेडलाइट के होल्डर में और दूसरी जगह कहीं नहीं। ये बैटरी का वायर मैं लगा रहा हूँ, ये बैटरी का वायर अलग से आता है उसके साथ में, वायरिंग के नया वायरिंग के साथ में। ये मेन वायर जूने वायरिंग के अंदर लगा दिया और ये अर्थिंग इसका इधर लगा दिया जूने वायरिंग में। ये नया वायरिंग का कपलर है ISG में एक फिटिंग करने का। ये बैटरी का वायर है, ये भी इसके अंदर फिटिंग करने का। और ये SCG का वायर है, ये तीनों ISG में फिटिंग हो गया। अभी ये सेल्फ मार रहा हूँ, ये सेल्फ मार रहा हूँ और गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। ये सेल्फ मारा, वापस से गाड़ी चालू हुआ। स्टार्टिंग में कोई तकलीफ नहीं है। वापस से चाबी बंद किया, वापस से सेल्फ मार रहा हूँ, फिर से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, गाड़ी रेस कर रहा हूँ, रेस भी हो रहा है। ये गाड़ी पूरा कंप्लीट फिटिंग कर दिया और ये चाबी चालू किया और ये सेल्फ मारा, इधर भी दिखना चाहिए नीचे भी। इसे वापस स्टार्ट किया, ये गाड़ी पूरा कंप्लीट फिटिंग हो गया। अब ये सेल्फ मार रहा हूँ, ये चालू हुआ, वापस से बंद किया, वापस से सेल्फ मारा और ये मैग्नेट कैसा घूमेगा वो देखो। गाड़ी चालू हो गया, रेस भी ले रहा है, कोई तकलीफ नहीं है।
गाड़ी फर्स्ट क्लास है, गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं है। इससे तीन फायदा है, एक तो आपका सेल्फ में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा हेडलाइट जो है इसका वो डीसी पे वर्क करेगा, लाइट भी बढ़ गया और तीसरा इसका गाड़ी एवरेज भी अच्छा देगा और बढ़िया चलेगा, क्योंकि पहला एसी करंट था, डीसी होगा, पूरा करंट बड़ा होगा, एवरेज भी बढ़ेगा, पूरा चलेगा और लाइट भी बढ़ जाएगा। इसके अंदर करंट है ना, डीसी पावर करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। गाड़ी पूरा फिटिंग कर दिया, ये गाड़ी को सेल्फ मारा, ये कवर लगा दिया तो भी टच नहीं हो रहा। मैग्नेट कवर लगाने के बाद भी कुछ आदमी बोल रहे थे कि मैग्नेट कवर लगाने के बाद टच करता, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेट उसके साइज का ही, उससे थोड़ा छोटा ही है पहले के हिसाब से, इससे कोई बड़ा नहीं है, उसके अंदर ही है। और मैग्नेट फिटिंग करके भी गाड़ी स्टार्ट किया, इधर भी कुछ नहीं है। लाइट वगैरह भी बढ़िया हो गया, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया, पहला एसी पे था, अभी डीसी पे हो गया। लाइट भी रिपेयर कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है।